डारिया टेनर खुशामदीद। मैं भी तुम्हें यहाँ खुशामदीद कहता हूँ डारिया। टेनर जानते हो तुम्हें क्यों पसंद करती हूँ मैं? क्योंकि तुम हमेशा मेरी मदद करते हो। ये कैसे हो सकता है कि तुम बुलाओ और मैं ना हूं? बिल्कुल ये जानते हो मैं। टेनर जानते हो मैंने तुमसे आज एक बहुत जरूरी बात करनी है। आखिर ऐसी भी क्या बात है? आओ बैठकर बात करते हैं। मोहब्बत हो गई है मुझे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ। मिलकर खुशी हुई। मैं तोबरक को यहाँ बाबा से मिलवाने के लिए लाई हूँ। साले गौर से सुनो, 34AYL61 तोबरक है जान। पता करो ये वही हिजान है जिस कबीले की हमें तलाश थी। मैं केनान बाबा के पास जा रहा हूं। खुशामदीद बाबा। मेरी बेटी है, ये यलमाज है, लाइट हाउस का नया वॉचमैन, और आज रात यहीं रहेगा। अच्छा यही रहेंगे। खुशी हुई मिलकर। मुझे भी खुशी हुई। मैंने आज लोबिया गोश्त बनाया है और साथ में चावल भी। यकीनन तुम्हें बहुत पसंद आएंगे। अगर तुम कुछ और खाना चाहते हो तो बोल दो। देखिए आपको तकल्लुफ में पड़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, पहले इतना कुछ कर दिया। ठीक है एलिफ। एलिफ तुम जाकर जरा कमरा तैयार कर दो, उसके बाद मेरे पास किचन में आना। चलो अब तुम अंदर जाके आराम कर लो, आ जाओ। शफका साहब आप ऐसा करके मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। ओहो इसमें शर्मिंदा होने वाली कौन सी बात है, तुम हमारे बेटे जैसे हो। चलो शाबाश आ जाओ। इस घर को तुम अपना ही घर समझो। ये आपके बेटे हैं क्या? आर्दा आर्मी में है, उम्मीद है अगले साल आ जाएगा इंशाल्लाह। और ये मुराद हमारा दूसरा बेटा जो कि वतन की खातिर शहीद हो गया। कमरा तैयार है और मैंने टॉवल भी वही कमरे में रख दिया है। तुम ऐसा करो फ्रेश हो जाओ, जब खाना तैयार होगा मैं बता दूंगा। जी बिल्कुल, और तब तक मैं जाकर जरा फ्रेश हो लूं। खुश आमदेद सर। अस्सलाम वालेकुम केनान बाबा। कैसे हो टेनर? ठीक हूं। जाकिर भाई अब काफी बेहतर है। बताओ टेनर, जो काम तुम्हारे जिम्मे लगाया था हो गया क्या? जी सब हो गया बाबा, डॉक्टर आज शाम तक आ जाएगा। हाँ अच्छा है, बहुत खूब। सच दारिया की कॉल आई थी, वो यहां आ रही है, आज शाम तक पहुंच जाएगी। मुझे मालूम है केनान बाबा। तुम्हें भी फोन किया उसने? मैं आपसे इसी मसले पर ही बात करने आया हूँ बाबा। हाँ दारिया अकेली नहीं आ रही। क्या मतलब तुम्हारा? उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड भी आ रहा है। क्या बॉयफ्रेंड भी है उसका? अचानक उसकी जिंदगी में ये रोमियो कहां से आ गया? मैं इस बारे में तफसील से कुछ भी नहीं जानता, लेकिन वो इस बारे में काफी संजीदा है। क्या वाकई? जी हाँ। वैसे वो लड़का है कौन? तोप्रक नाम है लड़के का, कबायली चर्च के सरदार का बेटा है। अब हम ऐसे लोगों के साथ रिश्तेदारी करेंगे केनान बाबा। प्रॉब्लम यह है कि ये कोई आम कबीला नहीं है,
यहाँ का एक लड़का उस कबीले की लड़की भगा कर लाया था और फिर उन लोगों ने आकर दोनों को ही कत्ल कर दिया था, आपको अच्छी तरह याद होगा। ये क्या कह रहे हो तुम? वो लड़का वाकई उसी कबीले से है? लाओ बेटी। हाँ रुको, मैं बात करवाता हूँ। अरे भाई शुक्रिया किस बात का, अपना बहुत ख्याल रखना। हेलो आर्दा, मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हारी आवाज सुनने के लिए भी तरस गई थी। मेरे बच्चे तुम ठीक तो हो ना? बिल्कुल फिक्र मत करो मेरे बच्चे, हम सब ठीक हैं। तुम्हारे बाबा भी यही हैं और एलिफ भी। तुम्हारा शुक्रिया यलमाज बेटा। बाबा मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी किया, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। दरअसल ट्रैफिक की वजह से हमें देर हो गई। हाँ। इससे मिलिए तो प्रक, और इनसे मिलो, ये मेरे हैंडसम बाबा केनान आकर हैं। सलाम अलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मिलकर खुशी हुई। बैठकर बात करते हैं। बाबा आप काफी वीक हो गए हैं। देखो बेटी, यहां वहां की बातों में वक्त जाया मत करो, पॉइंट पे आते हैं। समझ नहीं आ रही कि मैं क्या कहूं। जो भी कहना है कहो, मैं सुन रहा हूं। पता चला है कि तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो। सर दरअसल ये चाहती थी कि हम। तुम फिलहाल चुप रहो लड़के, मुझे अपनी बेटी से बात करने दो। अगर ऐसी बात है तो मैं सीधा पॉइंट पर आती हूँ। बाबा जान, मैं और तोपरक एक दूसरे को एक साल से जानते हैं और हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और इसीलिए हम दोनों ने शादी का फैसला किया है। क्या कहा, शादी का फैसला कर लिया है? बाबा जान आप कहना क्या चाहते हैं, क्या कोई ऐसी बात है जो मैं नहीं जानती हूँ? अगर तुमने फैसला कर लिया है तो फिर मैं भी सीधा मुद्दे पे आता हूँ। बताओ हेजान कबीले से तुम्हारा कोई ताल्लुक है या नहीं? बिल्कुल, मेरा उस कबीले से ताल्लुक है। हेजान कबीला ही मेरा खानदान है और मेरे बाबा उस कबीले के सरदार हैं। पर इस बात का इससे क्या लेना देना, समझा नहीं मैं? लेना देना ना होता तो ना पूछता मैं। जिसे तुम अपना खानदान कह रहे हो, उस कबीले के लोग असलहे समेत यहाँ घुस आए थे और जवान लड़के लड़की को उन्होंने कत्ल कर दिया था। बाबा, गुनाहगारों को हम लोग तो नहीं पकड़ पाए, लेकिन मेरी बेटी की जहानत की दाद देनी पड़ेगी। शौहर चुना भी तो उसी कबीले में से। बात सुनो लड़के, स्मगलिंग करना, बेगुनाह लोगों को मारना तुम्हारे खानदान वालों के लिए मामूली बात हो सकती है, मगर बाबा आप क्या कह रहे हैं? मेरी बेटी की शादी ऐसे खानदान में नहीं होगी जो गैर कानूनी काम करते हो। ये बात यहीं खत्म करते हैं। केनान साहब, जानता हूं मैं कि ये झूठ है, मेरा खानदान ऐसा नहीं है, इसलिए बगैर किसी सबूत के आप ये इल्जाम नहीं लगा सकते। ये इल्जाम नहीं बल्कि तुम्हारे खानदान की सच्चाई है। शुक्र करो कि तुम अभी तक सही सलामत बैठे हो, क्योंकि किसी को अभी तक मालूम नहीं हुआ। ये आप कैसी बातें कर रहे हो उससे? सुनो तुम, अगर तुम यहाँ इस लड़के के साथ शादी करने की इजाजत मांगने आई हो तो मैं इससे इनकार करता हूँ और यही मेरा आखिरी फैसला है। मैं हरगिज यहाँ आपसे शादी की इजाजत लेने के लिए नहीं आई। बाबा मत भूलिए कि हम दोनों बालिग हैं और अपनी शादी का फैसला करने का पूरा हक रखते हैं। और ये मेरा फैसला है बाबा। चलो। कोई परेशानी हुई तो आपको फोन कर लूंगा। हाँ याद आया, यहाँ पर अक्सर सिग्नल नहीं आते। अगर तुमने कभी कॉल करनी हो तो टावर पर लैंडलाइन मौजूद है। मुझे नंबर तो याद नहीं है, यहीं कहीं लिखा होगा। जी कोई बात नहीं, देख लूंगा मैं। चलो आओ नीचे चलते हैं, अंधेरा होने से पहले मुझे घर वापस जाना है। माँ बेटी दोनों अकेली हैं। तुम नहीं जानते कि तुमने आज अम्मी को कितनी बड़ी खुशी दी है।
यूं समझ लो कि हमारे घर में एक अरसे के बाद खुशियां आई हैं, और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो। आई एम सॉरी। दारिया, तुम बार बार एक ही बात क्यों कर रही हो? यूं शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मेरे बाबा ने तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की इंसल्ट की है तोबरा। तो फिर क्या करें अब? मेरे नजदीक हमारा रिश्ता है, मैं और हमारी खुशियां भी। अगर वो तुम्हारे बारे में जान लेते तो ऐसा कभी ना करते। ये भी हो सकता है कि बाद में उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए, क्या कहती हो? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ अपने बाबा के बारे में। बहुत ही बेशर्म लड़की है, कहती है इजाजत लेने नहीं आई, बाप की इज्जत का कोई ख्याल ही नहीं, जहन्नुम में जाए मेरी तरफ से। बाबा आप गुस्सा थूक दीजिए ना, क्या आपने आपा को प्यार से समझाने की क्या मतलब समझाने की कोशिश की होती? मेरे देखते ही देखते चली गई उसके साथ। सच कहूं तो मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं हुई बाबा, आपको तो पता है ना दारिया कितनी सेल्फिश है, कुछ भी हो जाए पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे जब मैंने उस लड़के को देखा तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्या उसके बारे में मालूम था तुम्हें? नहीं बाबा, मुझे कुछ मालूम नहीं था, मुझे लगा कि वो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। सच कह रही हो दामना? वैसे भी तुम दोनों को एक दूसरे के ऐब छुपाने की आदत है। बात सुनो मेरी, तुम लोगों को पहली और आखिरी बार बता रहा हूँ, अगर उस लड़की के नजदीक बाप की कोई अहमियत नहीं तो याद रखो कि ना तो वो लड़की मेरी बेटी है और ना ही तुम दोनों की बहन। समझ गई हो ना तुम मेरी बात? सरप्राइज। मैंने सोचा कि अपने नए वॉचमैन को देखा हूं, शायद उसे किसी चीज की जरूरत हो। खुश आमदेद। अरे ये जगह तो वाकई बहुत खूबसूरत है, और मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। यहाँ आ जाओ ना। काश के मैं भी यहाँ रह सकती। लेकिन तुम चाहो तो रुक सकती हो यहाँ, क्योंकि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा रूम भी है। अम्मी मैं आ गई। कहाँ थी तुम और आधी रात को कहाँ से आ रही हो? हाँ बहुत परेशान हो गई थी मैं। अरे अम्मी आप सारी बातें छोड़े और आराम से यहाँ बैठ जाएं, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, बैठिए ना। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, कुछ बोलो भी। अम्मी मैंने यलमाज से शादी करने का फैसला किया है। इसका मतलब तुमने फैसला कर ही लिया है। जब अल्लाह इंसान की किस्मत में खुशियां लिख देता है तो कोई नहीं रोक सकता। मैं अलिफ को अल्लाह के बाद तुम्हारे हवाले करता हूँ यलमाज बेटा। मिस दारिया आकर, मिस्टर दोपरा खेजान आपको बतौर शोहर कबूल है? कबूल है। मिस्टर दोपरा खेजान और मिस दारिया आकर अब आप दोनों हस्बैंड वाइफ, मुबारक हो। आपका बहुत शुक्रिया। हमारी दुआ है कि आप दोनों हमेशा यूं ही एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते रहें और हमेशा खुश रहें। गॉड ब्लेस यू बोथ। गुड मॉर्निंग। आज मुझे शायद जागने में कुछ ज्यादा ही देर हो गई। और हमारा बेबी वो कैसा है? क्या तुमने उसकी हरकत महसूस की? मुझे तो कुछ महसूस नहीं हो रहा।
मैं महसूस कर रही हूँ। एलिफ, तुम अपने आराम का पूरा ख्याल रखो। संभालो खुद को। एलिफ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं पास हूं तुम्हारे। अपने आप को संभालो। चलो, चलो। तुम्हें कमरे में आराम करना चाहिए। जो हुआ उसमें तुम्हारा कसूर नहीं है। मैं खुशहाल फैमिली चाहती हूँ शलमास। अपने बच्चे चाहती हूँ मैं। एक मुकम्मल फैमिली ही मेरी जिंदगी का मकसद है। तुम्हें बहुत मिस किया दारिया। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। खुशामदीद टेनर। खुशामदीद। तुम्हें यहां देखकर बहुत खुशी हुई है। चलो आओ, मैं तुम्हें किसी से मिलवाती हूँ। देखो जरा, हमारा बेटा। तोप्रक, दारिया, मैं ये टिकट्स लेकर आया हूं। क्यों ना आज रात हम सब लोग कोशिकिस चलें? तुम क्या कहती हो? बिल्कुल भी नहीं। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली, कभी नहीं। तुम्हें बगैर सोचे इनकार नहीं करना चाहिए। डेनिस को उसके नाना से दूर क्यों करें भला? हम एक काम करते हैं, पहले तुम जाओ और जाकर उन्हें मना लो, और जब वो मान जाएंगे तो बाद में हम बाप बेटा भी आ जाएंगे। बिजली भी चली गई। माचिस यहीं पड़ी है, जरूरत हो तो ले लेना। अब मैं ड्यूटी पर चलता हूं। तो अब आगे क्या करना है? जैसा टेनर ने कहा वैसा ही करते हैं हम लोग। पहले मैं वहां चली जाती हूँ और बाद में तुम लोग भी आ जाना। हाँ ठीक है, जैसा तुम लोगों को बेहतर लगे वही करेंगे। पहले मैं दारिया को छोड़कर आता हूँ, फिर तुम्हें और डेनिस को यहाँ से ले जाऊंगा। हाँ ठीक है। जी फरमाइए सर। मैंने जैसा तुम्हें फोन पर कहा था सब कुछ वैसे ही होना चाहिए। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सब वैसा ही होगा। आ दारिया, खुश आमदेद। मिलकर खुशी हुई। कैसी हो तुम? ठीक हूँ। और तुम?
ठीक हूँ मैं भी। बाबा कहाँ हैं? बाबा तो अभी तक घर में। इंतजार कर लेती हूँ। बताओ क्या वो लड़की हेजान कबीले से नहीं थी? हाँ ये तो है। उस कबीले के सरदार का बेटा यहीं रह रहा है और हम लोगों को कुछ पता ही नहीं। अगर ये बात सच है तो फिर अब तक वो जिंदा क्यों है? हाँ मुझे तफसील नहीं पता, बस इतना पता है कि वो समंदर के पास हसन भाई के घर में रह रहा है। हमने कुछ ना किया तो गुनाह हमारे सर जाएगा। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। इसलिए अब जल्दी करो, जाग जाओ, क्योंकि मैं तुम लोगों को यहाँ जगाने के लिए आया था और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तुम सब लोगों से सुना, मुझे अच्छी तरह याद है तुम लोगों ने उससे बदला लेने की कसम खाई थी। साले भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम सबको वहाँ चलना चाहिए। बाबा बाबा जानते आपको कितना मिस किया बाबा। यहाँ आने से पहले सोचा था आपसे बहुत कुछ कहूंगी बाबा, पर आपको देखते ही सब भूल गई। मेरी प्यारी बेटी। बाबा अगर आप मुझ पर गुस्सा भी करते तो ये बात सच है कि आपके बगैर नहीं रह सकती मैं। मैं डेनिस को उसके नाना से कैसे दूर कर सकती हूँ भला? उसे भी अपने साथ ही लाई हूँ मैं, वो इसी शहर में है। मैंने तोप्रक से कहा था कि जब तक मैं कॉल ना करूं तुम लोग यहां मत आना। अगर आप इजाजत दे तो मैं उन्हें यहां बुला लूं। मामा के पास जाना है, बताओ मुझे। हमें अभी यहां से निकलना होगा। क्यों, क्या हुआ टैनर? सब लोग इकट्ठे होकर यहां पर आ रहे हैं। मैं कुछ समझा नहीं हूं। मेरा मतलब तुम कहना क्या चाह रहे हो? गौर से सुनो तोप्रक, वो लोग तुमसे पुरानी दुश्मनी का बदला लेने आ रहे हैं। हमें इसी वक्त यहां से जाना होगा। गाड़ी कहाँ है? हम लोग कैसे जाएंगे फार्म हाउस? हम वहां नहीं जा सकते क्योंकि रास्ते में वो लोग हैं। हमें नीचे जाकर एक कश्ती मिलेगी, हम लोग उसमें जाएंगे। हाँ लेकिन इस मौसम में कश्ती में कैसे? मैं तुम्हारे साथ हूँ तोप्रक, यकीन करो मेरा। अब चलो। तुम नहीं आओगे क्या?
कुछ करता हूँ मैं, तुम फिक्र मत करो। ऐसा कुछ नहीं होगा एलिफ, तुम तसल्ली रखो, बस तुम लंबी लंबी सांस लो। हिम्मत करो एलिफ, शाबाश, हिम्मत करो, जोर लगाओ, हमारा बच्चा बाहर आ रहा है, शाबाश एलिफ। एलिफ संभालो खुद को, ये तुम क्या कर रही हो? एलिफ तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही, हमारा बच्चा मर चुका है।
मेरा बच्चा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरे पास हो। मेरी बेटी, अब तुम बेहतर महसूस कर रही हो ना? बाबा डेनिस कहाँ है? मेरा बेटा कहाँ है बाबा? बेटा वो जल्दी मिल जाएगा, तुम फिक्र मत करो, मैं ढूंढ लूंगा उसे। बाबा मुझे अपने बेटे के पास जाना है, मुझे उन दोनों को ढूंढने जाना है। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती, मुझे जाने दीजिए बाबा। अरे उठिए मत, प्लीज आप लेट जाइए, प्लीज मुझे जाने दीजिए मैम, प्लीज। मुझे अपने बेटे और शोहर को ढूंढने जाना है बाबा। वो मिल जाएगा, प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिए। समझने की कोशिश करें, उन दोनों के बगैर नहीं जी सकती मैं। बेटी संभालो अपने आप को। बाबा पता नहीं किस हाल में होगा डेनिस। आखिर इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हो? हाँ, क्या पता इसकी मां जिंदा हो और वो अपने इस बच्चे को पागलों की तरह ढूंढ रही हो। क्या कहा? अगर वो औरत इतनी तूफानी रात में इतने छोटे से बच्चे को उस आदमी के साथ अकेला छोड़कर जा सकती है, तो कोई हक नहीं रखती वो इस बच्चे पर। यलमास, तुम अपने फर्ज को थोड़ी देर भूल क्यों नहीं जाते? ये बच्चा मेरा है अब और मेरा ही रहेगा। मैं ये बच्चा किसी को नहीं दूंगी। और मेरे बच्चे, क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? भूख लगी है? मामा आ गई आपके पास। अपनी ड्यूटी पर जा रहा हूं मैं। यलमास, किसी को भी कुछ नहीं बताओगे तुम इस बारे में? देखो एलिफ, देखो मेरी बात सुनो। मैं कह रही हूँ जाओ यहाँ से। ये तुम क्या बेवकूफी कर रही हो? जाओ यलमास, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। एलिफ, देखो ऐसा कुछ मत करो। अगर तुम एक कदम भी आगे आए, मैं यहाँ से कूद जाऊंगी। देखो एलिफ, रुक जाओ खुदा के लिए, ऐसा मत करना। मैं जानती थी कि तुम उन्हें खबर दे दोगे, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। अगर ये नहीं रहेगा तो मैं भी नहीं रहूं। एलिफ, देखो एलिफ, तुम्हें ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। देखो जो तुम कर रही हो वो ठीक नहीं है। हाँ?
मैंने अपनी सारी जिंदगी एक फैमिली बनाने की ख्वाहिश की थी बस। मैं ना तो तुम्हें और ना ही किसी और को अपना बच्चा छीनने दूंगी। एलिफ, तुम समझ नहीं रही, ऐसा करना गलत होगा। इधर आ जाओ, आ जाओ, आओ मेरे पास आओ। कोई और रास्ता नहीं है। तुम समझते क्यों नहीं? या तो हम एक साथ एक फैमिली की तरह रहेंगे, या फिर मैं और मेरा बेटा तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएंगे। देखो एलिफ, अच्छा ठीक है, सब वैसा होगा जैसा तुम कहोगे। कुछ नहीं हुआ, तुम बिल्कुल ठीक हो, कुछ नहीं हुआ। ये जानता हूं मैं कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं बहुत गलत कर रहा हूं। इन पेपर्स पर साइन कर दो तुम, ताकि उनकी गायबाना कब्रें बना सकें। अगर मैंने यहाँ साइन कर दिया तो इसका मतलब मैं भी मान गई कि वो मर गए बाबा। मैं जानता हूँ बेटी कि ये आसान नहीं, मगर यही सच है। एक साल गुजर गया है, तुम्हें चाहिए कि अब हकीकत को तस्लीम कर लो। तुम अपनी जिंदगी में वापस लौटना चाहिए तुम्हें। हम सब लोग हमेशा तुम्हारे साथ हैं बेटा, तुम्हें संभालने के लिए, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि तुम खुद को बदलो। अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करो बेटी। साइन कर दो बेटी। ऐसा करना बहुत जरूरी है। अब आप चले जाइए, खुदा के लिए चले जाइए।
माफी चाहता हूँ मैं। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अमूद बेटा, आपकी वजह से आंटी को चोट लग सकती थी। अरे नहीं, इसमें बच्चे का क्या कसूर, उसे मत डांटिए। आई एम सॉरी मम्मा। क्या किया भाई? तुम अपने काम से काम रखो, जल्दी से इसे चलाने की कोशिश करो, जल्दी करो। ये बोट किसकी है? कौन है वहां? यहाँ कोई नहीं है। Thank you.
जी बोलिए ऑफिसर, खैर तो है? कैनान साहब, इस वक्त कॉल करने की माफी चाहता हूँ। अभी अभी एक खबर मिली है, एक बोट जो कि आपकी बोट पर रजिस्टर्ड है, महाजरों को ले जाते हुए हादसे का शिकार हुई है। मैं कुछ समझा नहीं, क्या मतलब कि बोट महाजरों को लेकर जा रही थी? जी ऐसा ही है कैनान साहब। ठीक है, मैं पता करता हूँ इस बारे में। हमारी पोर्ट से एक बोट पकड़ी गई है जो महाजरों को लेकर जा रही थी। क्या मतलब इसका? मैं कुछ समझा नहीं बाबा। तुमने सुना नहीं क्या? एक बोट पकड़ी गई जो महाजरों को लेकर जा रही थी। केनान बाबा, पहले मुझे इस बारे में पता करने दीजिए, किसी ने साजिश की होगी। आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। आपका शुक्रिया, हमने इन्हें ले जाने का बंदोबस्त कर लिया है। आपको कल पुलिस स्टेशन आना होगा ताकि हम अपनी कार्रवाई पूरी कर लें। सर बताइए, ये सब कैसे हुआ? कैसे बचाया? उस हादसे के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं कहना, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। इस बारे में जानना चाहते हैं? इस बारे में कुछ तो तफसील बताइए। क्या उनमें औरतें और बच्चे भी थे? मिस्टर यलमाज, मैं कैनान आकर, आपने जो किया उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। अगर वक्त हो तो मैं आपके साथ कॉफी पीना चाहूंगा। मिस्टर यलमाज, आपसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहता हूं मैं। यलमाज साहब, आप जानते होंगे जो बोट महाजरों को लेकर जा रही थी वो मेरी ही पोर्ट पर रजिस्टर्ड है, पर अब वो चोरी हो गई। मगर मैं नहीं जानता कैसे, और ना ही मुझे इस बात का अंदाजा है कि वो उन लोगों को कहां लेकर जा रही थी और क्यों। इस हादसे से ये बात साबित होती है कि इस पोर्ट की मैनेजमेंट बहुत ही कमजोर है, और ये बात नाकाबिले कबूल है। इसलिए मेरे पास आपके लिए एक तजवीज है। अगर आप ये सारा इंतजाम संभाल लेते हैं तो मेरे लिए आसानी होगी। अगर आपने मेरी ऑफर कबूल कर ली तो इसका मतलब ये होगा कि आपने मेरी परेशानी दूर कर दी। क्या तुम नहीं जानते थे कि इस तरह करने से हम लोगों की नजरों में आ जाएंगे? कसम से भाई, मुझे अंदाजा नहीं था कि साले। केनान बाबा को इस बारे में पता चल गया है, तुम जानते हो? जवाब की जल्दी नहीं, मुझे वक्त है आपके पास। यकीनन आपको एहसास होगा कि ये एक अच्छी ऑफर है। कॉफी आ गई। बात है दारिया आपा, तो वाकई बहुत अच्छी तस्वीरें बनाती हैं, देखो तो जरा। किससे पूछकर लैपटॉप ऑन किया दामला? क्या हो गया आपा, तस्वीरें देख रही थी? मेरी इजाजत के बगैर इसे हाथ लगाने की जरूरत कैसे की तुमने? तस्वीरें ही तो देखी है, कौन सा आपको कोई सीक्रेट फॉर्मूला चुरा लिया है मैंने? यूं बहस करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए दामला। बात हो गया आपा, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने वाली आपकी आदत अभी तक नहीं गई। क्या मतलब तुम्हारा? तो क्या अब तुम अपनी बड़ी बहन को बताओगी कि उसके अंदर क्या क्या खामियां हैं? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। बताओ कि आखिर तुम कब बड़ी होगी दामला? हाँ, आखिर ये सब कब तक चलेगा? पीछे हट जाओ, दोबारा हाथ मत लगाना। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। दरअसल मुझे पोर्ट के बारे में बात करनी है तुमसे। खैर तो है ना केनान बाबा? मैं आज यलमाज से मिला था टैनर। यलमाज से? हाँ, वही लाइट हाउस का गार्ड जिसने महाजरीन को बचाया था। अच्छा। मैंने उसे पोर्ट की मैनेजमेंट के लिए रखा है, कल से काम शुरू कर देगा। तो इसका मतलब अब वो ये सब संभालेगा? हाँ बिल्कुल। बाबा, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी पता चल जाएगा। यलमाज, तुम कहते कुछ हो और करते कुछ हो, अब बता भी दो कि आखिर हमें कहाँ लेकर जा रहे हो। हम लोग पहुँच भी गए हैं, आ जाओ। ये तुम हमें किसके घर ले आए? हमारे अपने घर। आ,
सच कह रहे हो? हाँ बिल्कुल, ये हमारा नया घर है, अब हम लोग यहीं रहेंगे। अरे यलमाज, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। चलो आओ अंदर चलते हैं। यलमाज भाई, आपको यहाँ देखकर खुशी। शुक्रिया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। एलिफ तो मैं सलाम कह रही थी। वालेकुम अस्सलाम भाई, थैंक यू। यलमाज भाई, ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप चेक करना चाहते थे, और वहाँ जो गाड़ी खड़ी है वो भी आपके लिए है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मुझे बहुत से काम हैं, बाद में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। हाँ ठीक है, समझ गया, जरूरत पड़ी तो कॉल करूंगा जी, जरूर भाई। अल्लाह हाफिज। आइए किनान साहब, खुश आमदी। अरे अरे बैठे रहो बेटा। बहुत शुक्रिया, बैठिए प्लीज। हाँ जरूर। क्या लेंगे सर? नहीं तुम्हारा बहुत शुक्रिया, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा तुम्हें मिल लूँ। बहुत अच्छा किया आपने, सब ठीक चल रहा है, हम लोग नया सिस्टम इंस्टॉल करने लगे हैं। मेरी बीवी का भाई भी यही पोर्ट पर ही काम करता है, मुझे जिस काम की समझ नहीं आएगी मैं उसकी हेल्प ले लूंगा। हाँ, वो उस महाजरीन वाले मामले ने मुझे हिला कर रख दिया है यलमाज, और मैं तुमसे भी यही कहूंगा कि तुम पहले से ज्यादा मोहतात रहना। जानता हूं मैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, अगर मैं डिसिप्लिन नाफिस करने में नाकाम हुआ तो जो आपको बेहतर लगे वही कीजिएगा। तुम वही करो जो तुम्हें सही लगता है, मैं जानता हूं तुम जो भी फैसला करोगे हमारी बेहतरी के लिए ही करोगे। मैं भी आपसे वादा करता हूं सर कि आपका भरोसा नहीं टूटेगा, लेकिन कुछ जरूरी चीजें हैं जिनके बारे में आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। माफी चाहती हूँ, मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे बिल्कुल भी नहीं बेटी, क्या हुआ तुम जल्दी आ गई? बाबा दरअसल जो मैंने कैब चेक करना था वो मुझे मिला नहीं, तो सोचा किसी और दिन ही सही, इसलिए मैं जल्दी वापस आ गई। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें अपनी बेटी से मिलवाऊँ, ये दारिया है। क्या हाल है आपका? दारिया, कह रही थी कि देखो कितना अच्छा स्कूल है, और इस स्कूल के बच्चे यकीनन अमीर घरों से ही होंगे, जरा देखो तो बच्चों के लिए क्या क्या इंतजाम किए हैं उन लोगों ने। अरे वो देखो तो उमद कितना खुश लग रहा है ना बच्चों में। हाँ वही देख रही हूँ मैं। एक्सक्यूज मी मिस एलिफ, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहेंगे, इसमें रसीद भी मौजूद है। जी जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैं कल से उसे भेज दूंगी। जी जरूर आप भेज सकते। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया। उमूद चलो अब चलते हैं। अपनी तस्वीरों की पहली नुमाइश करने जा रही हूं मैं, लेकिन तुम मुझ पर गुस्सा बिल्कुल मत होना।
तुम हमेशा मेरे साथ हो। मुझे माफ कर देना बेटा। तुम हमेशा मेरे साथ हो डेनिस। मैं अकेली बिल्कुल भी नहीं हूं। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। मेरे बच्चे, तुम्हें कभी नहीं भूल सकती मैं, कभी नहीं। गुड इवनिंग। मैं ठीक हूँ बाबा। खुश आमदीद। अरे मेरी प्यारी बेटी, सब बहुत अच्छा है। थैंक यू बाबा। खुश आमदीद बाबा। कैसे हो टैनर? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? दारिया, मुझे तुमसे इस सब की उम्मीद नहीं थी। बहुत खूब, वाकई कमाल कर दिया तुमने। हाँ वाकई दामला ने कम वक्त में कमाल कर दिया। तुमने वाकई कमाल कर दिया, मुझे फख्र है तुम पर। मैं इस काम के बारे में कुछ ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन तुम्हारी पेंटिंग्स और तस्वीरें वाकई खूबसूरत हैं। अभी तक तुमने एक भी पेंटिंग नहीं देखी टैनर, फिर तुम ये सब कैसे कह सकते हो? दरअसल मुझे दारिया पर भरोसा है इतना है, इसलिए क्या करूं। जानता हूं ये सब तुम्हारे लिए आसान नहीं था, यह वाकई बड़ा कदम है। वैसे दारिया, तुमने ये पेंटिंग्स तो काफी मेहनत से बनाई है, तुम्हें नहीं लगता? इन पेंटिंग्स में कुछ ज्यादा ही गहरे रंग लगे हैं। सच कहूं तो ऐसी पेंटिंग्स में अपने घर में कभी ना लगाऊं। आपका बहुत शुक्रिया सर। ये मेरी बीवी एलिफ है। गुड इवनिंग, मिलकर अच्छा लगा। आपका शुक्रिया। गुड इवनिंग। और ये बच्चा कौन है? उमुद। वेलकम उमुद। मैं क्या नाम? मैं उमुद। तुम्हारा नाम भी तुम्हारी तरह प्यारा है। अपने बाप से ज्यादा खूबसूरत है ये। अगर मैं गलत नहीं तो ये आपकी बेटी की तस्वीरों की नुमाइश है ना? हाँ, ये मेरी प्यारी बेटी दारिया की नुमाइश है, जिसकी हर तस्वीर खूबसूरत है। मैं जरा बाकी मेहमानों से मिल लूं। उमुद कहाँ है? वो देखो जरा, उसने नए दोस्त बना लिए। ये तो अच्छा किया इसने। चलो यलमाज, हम तस्वीरें देखते हैं। हेलो। उज़नूर, वैसे बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। हाँ, दरअसल मैं पहली बार किसी ऐसे फंक्शन में आई हूँ। आप कैसे हैं यलमाज भाई? जी मैं ठीक हूँ। अब पता नहीं किनान साहब की वो बेटी किधर होगी। किनान साहब की बेटी? वो रही, वो सामने ब्लैक ड्रेस वाली। वो ब्लैक ड्रेस वाली? जी हाँ बिल्कुल, वही वाली। क्या हाल है आपका? खुश आमदीद। मैं उज़नूर। दारिया। जी बिल्कुल ठीक। कैसा लगा सब? जी सब कुछ बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया है, बहुत ही खूबसूरत है। क्या वाकई आपको सब अच्छा लगा? वैसे मुझे लगता है कि ये तस्वीरें इतनी भी खास नहीं है। नहीं, मुझे वाकई बहुत पसंद आई है। आपका बहुत शुक्रिया, सुनकर अच्छा लगा। मैंने ये तस्वीरें इस ख्याल के साथ नहीं बनाई कि लोग इन्हें पसंद करें। ये सब तो वो है जो मैं महसूस करती हूँ। कुछ लोगों के लिए तो ये तस्वीरें मायूस कौन होंगी। क्या मतलब है आपका?
दरअसल लोग समझते हैं कि मैं बहुत गमगीन और अकेली रहती हूँ, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद आप भी यही सोचते हो। नहीं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और इसके अलावा बाकी इंतजाम भी बहुत अच्छे हैं। आपका बहुत शुक्रिया। मैं ना इंसाफी नहीं करूंगी, एक तस्वीर बहुत अच्छी है। माफ कीजिएगा, मैं समझी नहीं। पहले मुझे लगा था कि आपकी सारी तस्वीरें उदास हैं, पर ऐसा नहीं है। आप वाकई सच कह रही हैं? दरअसल मुझे वो तस्वीर अच्छी लगी, उसमें एक उम्मीद है, वो वाली जिसमें बच्चे हैं। बच्चों की एनर्जी कभी खत्म ही नहीं होती। दारिया मैडम, आपके कितने बच्चे हैं? जी नहीं, मेरे बच्चे नहीं हैं। ठीक है, हम लोग बाद में मिलते हैं। बेटा आप ठीक हो ना बेटा? कोई चोट तो नहीं लगी? गया है। इसे कोई चोट तो नहीं लगी? नहीं, अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया। नहीं, ऐसा मत कहो, मैंने कुछ नहीं किया। एकदम ये सब कैसे हो गया? हाँ, लेकिन शुक्र है ये ठीक है। जी, ठीक कहा आपने। मेरी जान, आपको पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी आपके लिए। एलिफ, अब बस करो, उसे परेशान मत करो। किनान साहब, मैं सब के लिए आपसे माफी चाहता हूँ। अरे ऐसी कोई बात नहीं, अब हमें घर जाना चाहिए। हाँ हाँ, ठीक है, ध्यान से जाओ। चलो आओ बेटा, हम घर चलते हैं, आ जाओ। ये एक बहादुर बच्चा है। गुड नाइट सर। गुड नाइट। चलो यहाँ। चाहती हूँ, मेरी वजह से आप लोगों को इंतजार करना पड़ा। नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं मैडम। खुल जाओ जल्दी, आइए। ये सारी तस्वीरें आपको होटल पहुंचानी है, और कोई तस्वीर खराब ना हो, ठीक है? जी मैम, हम समझ गए।
रास्ता दीजिए प्लीज। बस यही है। इन्हें रखो, मैं बस आती हूँ। अब मुझे निकलना होगा। अरे ये सब तो मैं भूल ही गई। मैं आई कमिंग। हाँ दामला आओ अंदर। मैं दरअसल आज जल्दी जाना चाहती हूँ, सारा इस्तांबुल जा रही है तो सोचा उससे मिल लूँ। ठीक है चली जाओ। हेलो दारिया। हाँ हाँ घर ही आ रही हूँ मैं, फिर हम सारा के साथ बैठकर कॉफी पीते हैं। बस आती हूँ कुछ देर में। दामला मैडम, हमारे होटल का एक गेस्ट एग्जीबिशन में से एक तस्वीर खरीदना चाहता है, उसे आपसे मिलना है। ठीक है तुम उन्हें बिठाओ, आती हूँ मैं। उन्हें बता दो कि पेमेंट बैंक में ट्रांसफर करनी होगी। ठीक है मैडम। ऐसा आपका कोई जरूरी काम नहीं है तो मैं जाऊँ? हाँ दामला तुम जा सकती हो। थैंक यू सो मच। शाम दे देसल, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुम बगैर बताए अचानक यहाँ? दरअसल दामला ये लेटर्स मेरी ऑफिस की टेबल पर भूल आई थी, तो मैंने सोचा शायद ये लेटर्स दारिया के लिए बहुत आम हो। ये तो सिर्फ बिल्स हैं। सिर्फ ये देने के लिए आई हो? दारिया तुम मेरा बैग मुझे दे दो, मैं उठा लूंगी ना इसे। अरे नहीं मैंने उठा लिया है ना। बस वहाँ नीचे तक पहुँचा दो, मैंने कहा था ना बहुत वजनी है। तुम मेरी हेल्प करो। ओह ये तो वाकई बहुत भारी है। खुशामदीद। खुशामदीद आपा। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। कैसी हैं? मैं ठीक, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। सारा तुम जा रही हो? जी जा रही हूँ, बहुत अच्छा ट्रिप रहा। हमें तुम्हारा इंतजार रहेगा और जो ऑफर मैंने दी थी उसके बारे में सोचना, ठीक है? जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। आपकी ऑफर का जवाब दिए बगैर जा रही हूँ, बाद में देखते हैं जिंदगी हमें कहाँ ले जाती है। ठीक है अब मैं निकलती हूँ, ऐसा ना हो फ्लाइट मिस हो जाए। फिक्र मत करो, मेरा ड्राइवर तुम्हें वक्त पर पहुँचा देगा। अरे ये तो आपने वैसे ही जहमत की, मैं चली जाती किसी तरह। ये तुम क्या बोल रही हो, जरूरत तो थी। तो इसका मतलब मेरे बाबा तुम्हें हायर करना चाहते हैं। तुम जो भी फैसला करना सोच समझ कर करना। हाँ ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, आपका बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज एसल मैम, अपना ख्याल रखना। अब मैं चलती हूँ। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, पहुँच कर हमें जरूर बताना। हाँ बता दूंगी दारिया। अब वहाँ जाकर मुझे भूल मत जाना, बात करती रहना मुझसे, ठीक है? कोशिश करना वहीं आ जाना। और मैं भी चलूंगी। दामला। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। आपका शुक्रिया। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, शाम को डिनर पे मिलेंगे। ऐसा लापा कुछ पीने के लिए मंगवाओ। तुम्हारा शुक्रिया दामला, इस सब की जरूरत नहीं। भूख लगी है तो खाना खा लेते हैं। नहीं दारिया मुझे भूख नहीं है, थकी हुई हूँ, बस घर जाके सोना चाहती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, तुम्हारी प्राइस लिस्ट मैंने देख ली है। ठीक है ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया। हाँ मैं समझ गया, खुदा हाफिज। Thank you.
मिस दारिया आप बेफिक्र रहें, आपका बेटा जिंदा है और सही सलामत है। बाबा, दारिया बेटी, आप ठीक हैं? हाँ ठीक हूं मैं। मैंने दरवाजा दो बार नॉक किया पर आपने सुना नहीं। हाँ दरअसल मैं अपने लेटर्स लेने के लिए यहाँ आई थी, क्या आप बताएंगे कि वो कहाँ पर हैं? बेटी यहीं तो पड़े हैं, और ये भी तुम्हारे हैं ना? जी ये भी दे दीजिए। ये लो। ये क्या है? कुछ नहीं। बाबा मैं माफी चाहती हूँ। बाबा आप ठीक तो है ना? आपका चेहरा इतना जर्द क्यों हो रहा है? नहीं बेटी ऐसा कुछ नहीं। जी ठीक है। अच्छा अब मैं चलती हूँ। हाँ। आप आराम कीजिए। यलमाज तुम यहाँ? दारिया आप? बताओ कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आपका शुक्रिया, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तुम खड़े क्यों हो? बैठो ना, मैं चाय ऑर्डर करती हूँ। अरे तुम बैठते क्यों नहीं? बैठो। सुनो हमारे लिए दो चाय लाना प्लीज। एलिफ का बताओ कैसी है, क्या उसका गुस्सा ठंडा हो गया? जी हो गया। देखिए इसमें उसका कसूर नहीं, वो बेटे के मामले में ज्यादा जज्बाती हो जाती है। हाँ मैं उसके जज्बात समझती हूँ, आखिर वो उसकी माँ है, उसे हर हाल में अपने बच्चे की हिफाजत करनी है। मुझे कई सालों से इसकी तलाश थी, बहुत अच्छी किताब है ये। हाँ मुझे ये बहुत पसंद है। इस किताब की एक खास बात यह भी है कि इसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है। सही कहा आपने, इसकी ड्राइंग वाकई बहुत अच्छी है, और मैंने यहाँ के लाइट हाउस में 5 साल काम किया है। अच्छा क्या यही वाले लाइट हाउस? जी बिल्कुल, यहाँ काफी अच्छा वक्त गुजरा मेरा। हालांकि मैं यहाँ पैदा हुई बड़ी हुई लेकिन मैंने अभी तक ये लाइट हाउस नहीं देखा। क्या वाकई नहीं देखा? वैसे भी वहाँ पर बाय रोड जाना काफी मुश्किल काम हुआ करता था पहले। हाँ ये पता है मुझे। ये किताब पढ़ने के बाद मेरा दिल किया कि मैं वहाँ जाकर देखूँ। सोचती हूँ कि किसी दिन जाके फोटोग्राफी करूँ। वैसे इत्तफाक से वहीं पर ही जा रहा हूं मैं, आप चाहें तो आ सकती हैं। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं जा सकती हूं तुम्हारे साथ वहां। अरे नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि मैं वहां अपना काम कर लूंगा और आप वहां तस्वीरें बनाती रहना। ठीक है अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं तो रेडी हूं मैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तो आइए चलते हैं। हाँ क्यों नहीं। मेरे बाबा कहाँ गए हैं? खैरियत है? उन्हें कहें जल्दी आए। अच्छा चलो ठीक है, अभी कॉल करती हूँ और आपकी बात करवा देती हूँ। मुझे बात करनी है। अच्छा ठीक है, पर पहले उन्हें फोन तो उठा लेने दो। वैसे खूबसूरत तस्वीरें बनाने के लिए क्या जरूरी होता है? बस कोशिश करनी चाहिए कि फ्रेम अच्छा बने। अब जैसे इस तस्वीर में सूरज को देखो। ये वाकई बहुत प्यारी हैं, बल्कि
आपकी हर तस्वीर खूबसूरत होती है, जबकि मैं यहाँ रहकर भी इस जगह की खूबसूरती को नहीं ढूंढ पाया। अच्छी तस्वीर के लिए फील को समझना जरूरी होता है। यहाँ तक के एक पत्थर की तस्वीर बनाने के लिए भी फीलिंग्स चाहिए, क्योंकि उसके पीछे भी एक कहानी छुपी होती है। और हाँ, मैंने इस लाइट हाउस की भी कुछ तस्वीरें बनाई हैं। ये देखो, अब यहाँ पानी को देखो। ये बहुत खूबसूरत है। मेरे ख्याल में अब हमें यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि बारिश होने वाली है। हाँ, मैंने भी अपना काम कंप्लीट कर लिया है, मैं चीजें संभाल लूँ। जाती है कि कुछ ही देर में समंदर में तूफान आने वाला है और इस सिचुएशन में सफर करना खतरनाक है। क्या कोई तूफान आने वाला है? देखने में तो यही लग रहा है। वैसे गलती हो गई हमसे, हमें जल्दी निकल जाना चाहिए था। तो अब हम लोग क्या करेंगे? तूफान के थमने का इंतजार करेंगे, उसके बाद ही हम लोग निकल सकेंगे यहाँ से। ठीक है, जैसे तुम्हें बेहतर लगता है हम वैसे करेंगे। एक मिनट। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया, इसकी जरूरत नहीं। जी ठीक है, सब ठीक तो है? अच्छी खबर नहीं है। अभी अभी पता चला है कि तूफान आहिस्ता आहिस्ता तेज होता जाएगा। अब क्या होगा? फिक्र वाली कोई बात नहीं, हम यहाँ पर महफूज हैं। अगर हमारे पास बड़ी बोट होती तो हम जाने का रिस्क ले लेते। हमें आज यहीं रुकना होगा। उम्मीद करता हूँ तुम्हें कोई एतराज नहीं होगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस सिचुएशन में, और कर भी क्या सकते हैं। मैं जरा लाइट चेक कर लूँ, अभी आता हूँ। तुम चाहो तो लैंडलाइन से कॉल कर सकती हो, क्योंकि मोबाइल यहाँ काम नहीं करेगा। हाँ, करती हूँ मैं। थैंक यू। हेलो हेलो, हेलो बाबा, हेलो हेलो, माफ कीजिएगा, आप कौन? मैंने यलमाज को कॉल की थी, लेकिन मुझे लगता है कि गलत नंबर मिल गया है। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक नंबर मिलाया है, मैं अभी यलमाज को बुलाती हूँ। रुकिए जरा, यलमाज यहाँ आना, जल्दी आओ यलमाज। मुझे लगता है तुम्हारे घर से कॉल है। ये बताना कि वॉशरूम किस तरफ है। ठीक है, थैंक यू। हाँ बोलो एलिफ। ये लड़की कौन थी यलमाज? हाँ एलिफ, मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था। मैंने पूछा कि ये लड़की कौन थी। दारिया मैडम, केनान साहब की बेटी। खुशामदीद यलमाज। तुम्हारा शुक्रिया। ये क्या हरकत थी यलमाज? एक गैर औरत के साथ लाइट हाउस पर रहने की क्या जरूरत थी? पागल हो गई हो क्या? चिल्लाने की जरूरत नहीं। तुम मुझे ऐसे पागल बनाने की कोशिश नहीं कर सकते, जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो मुझे। मुझे काम पर जाना है एलिफ, देर हो रही है। तुम मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते यलमाज। तुम मेरे सबर का इम्तिहान ले रही हो। सबर का इम्तिहान तो तुम ले रहे हो, जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। दारिया को अपने साथ काम पर ले जाने की क्या जरूरत? देखो तुम कुछ भी नहीं जानती, इसलिए गलत अंदाजे लगाने की कोई जरूरत नहीं तुम्हें। दारिया तुम जैसी बिल्कुल नहीं है। तो अब तुम्हें दारिया अच्छी लगने लगी है? आखिर इस बात का मतलब क्या है कि वो मेरे जैसी नहीं है? मैं बस इतना जानना चाहती हूँ यलमाज, कि वो लाइट हाउस में वहाँ तुम्हारे साथ क्या कर रही थी। यलमाज वो औरत तुम्हारी तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानती। कौन है वो? उम्मत की माँ है दारिया। जो काम मैंने कहा था उसका क्या बना, कुछ पता चला? मैंने अपने आदमी उस जजीरे के हर गाँव और हर तहसील में भेज दिए हैं। वो वहाँ क्या कर रहे हैं? वो वहाँ ये मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले 5 सालों में वहाँ कोई लावारिस बच्चा तो नहीं आया। हर जगह तलाश कर रहे हैं उसे। ये तो अच्छा किया तुमने। और क्या वो कैमरा फुटेज से कुछ मिला तुम्हें? नहीं मिला। वहाँ जितने कैमरे थे उनकी फुटेजेस मैंने चेक कर ली हैं। बदकिस्मती से दारिया की वर्कशॉप के पास कोई कैमरा नस्ब नहीं है, मुझे कुछ नहीं मिला वहाँ से। उम्मत सिर्फ हमारा बेटा है यलमाज, और ये बात भूलना मत। उम्मत सिर्फ मेरा बेटा है, सिर्फ मेरा, और कोई उसे मुझसे दूर नहीं कर सकता यलमाज। मैं अपने बेटे को आखिरी बार प्यार भी नहीं कर सकी।
मैं भी अपनी फैमिली खो चुकी हूँ। अपनों को खोने का दुख क्या होता है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। बेटा अम्मी कहती हैं जिन्हें नहीं जानते उनसे बात नहीं करते। ठीक है, लेकिन हम तो पहले स्कूल में मिल चुके हैं ना, और देखो मैं तो आपका नाम भी जानती हूँ। आप अकेले यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं, बस यहाँ बैठा हूँ। लेकिन आपको तो स्कूल होना चाहिए था ना, आपके मामा बाबा कहाँ हैं? अम्मी घर है और बाबा ऑफिस गए हैं। तो फिर आप यहाँ क्यों आए हो? भाग कर आ गया हूँ मैं। क्या, स्कूल से भाग कर आए हो? लेकिन भाग कर क्यों आए हो? बोर हो गया था। ये क्या बात है, आप अपने दोस्तों के साथ खेल सकते थे। वो सब एक दूसरे से खेलते हैं। वैसे एक बात बताऊं आपको, जब मैं भी उदास होती हूँ ना तो मुझे भी अकेले रहना अच्छा लगता है। सच कह रही हैं? ऐसे उदासी की कोई ना कोई वजह तो जरूर होती है, और आपकी उदासी की क्या वजह है? स्कूल में मेरे साथ कोई भी नहीं खेलता। क्या कहा, लेकिन क्यों नहीं खेल रहे थे? अच्छा चलो छोड़ो, मैं आपको बताती हूँ कि कैसे खेलते हैं, फिर देखना हर कोई आपसे खेलना पसंद करेगा। सुधे खेलना चाहती है पर वो फुटबॉल नहीं खेल सकती। क्या सुधे आपकी दोस्त है? जानते हो आपके बाबा भी मेरे दोस्त हैं। अगर नहीं यकीन तो बात करवा दूं। उन्हें बुरा लगेगा। तो ऐसा है, ठीक है, अगर आप नहीं चाहते तो हम नहीं करते। प्रॉमिस करें। हाँ ना, अब तो हम वैसे भी दोस्त बन गए हैं। आपको पता है इस वक्त सुधे भी आपकी वजह से बोर और परेशान हो रही होगी। उम्मत आपको कैसे पता? क्योंकि जब मेरे दोस्त भी गुम हो जाते हैं या मुझसे दूर हो जाते हैं तो मैं भी बहुत परेशान हो जाती हूँ। आप मेरी बात मानो, जल्दी से स्कूल वापस चले जाओ, देखना आपके सारे दोस्त आपको देखकर कितना खुश होंगे। आप सच कह रही हैं? हेलो जी, कहिए। एलिफ मैडम, क्या हाल है आपका? मैंने आपसे बात पूछनी थी, क्या उम्मत आपके साथ है? वो मेरे साथ क्यों होगा भला, उसे तो स्कूल होना चाहिए। हमने हर जगह देख लिया, वो नहीं मिल रहा। क्या? हाँ जाओ मेरी जान। अरे उम्मत बेटा, आप कहाँ चले गए थे? आप ठीक हैं? हम बहुत परेशान हो गए थे। तुम कहाँ गए थे उम्मत? कहीं नहीं। क्या आप सुधे की आंटी हैं? हाँ हाँ, मैं इसकी आंटी हूँ। इसे फुटबॉल खेलना सिखा दे। हाँ जरूर, मैं सिखा दूंगी, और अब आप दोनों मिलकर खेलना, ठीक है? एलिफ मैडम भी आ गई। उम्मत, मेरा बेटा, कहाँ चले गए थे आप? माफी चाहते हैं कि आपको हमारी वजह से परेशानी हुई। वैसे कमाल करते हैं आप लोग भी, एक बच्चा नहीं संभाला गया आपसे। हम माफी चाहते हैं, किसी को भी मालूम नहीं हुआ कि ये कब चला गया।
इसी वक्त इनको यहाँ से निकाल देना चाहिए। इसी तरह ये सीखेंगे कि जिम्मेदारी कैसे निभानी चाहिए। जानते हैं, मैं चाहूँ तो केस करवा के अभी आपका स्कूल बंद करवा सकती हूँ। दारिया मैडम का बहुत शुक्रिया कि वो उमुद को यहाँ ले आई। कैसी हैं आप मिस अलिफ? आप परेशान मत हो, उमुद बिल्कुल ठीक है। तो आपने फिर दारिया को मनमर्जियां करने की इजाजत दे दी है ना? जबान संभाल कर बात करो। तुम अपने शौहर से बदतमीजी तो करती थी, मगर अब बाप से भी बदतमीजी करना शुरू कर दिया तुमने। अब बस कर दो, बहुत हो गया ये तमाशा। कैसे बस कर दूं बाबा? दारिया को किसने परमिशन दी है कि मेरी बेटी की जिंदगी में वो मुदाखलत करे? तुम्हें इस बात की समझ आखिर कब आएगी कि उसकी बड़ी बहन हो तुम? कब समझोगी ये? बाबा, बाबा! फिक्र रहे, आपका बेटा जिंदा है और सही सलामत है। हम आ गए। खुश आमदीद। वेलकम होम। दारिया, आखिर तुम करना क्या चाह रही हो? हाँ, स्कूल से ही तो लेकर आई हूँ, ऐसा क्या कर दिया मैंने? गुल्लास, बात सुनो, सूदे को अंदर ले जाओ। तुम मेरी बच्ची को लोअर क्लास बच्चों के साथ कैसे खेलेगा कह सकती हो? ऐसी बातें क्यों कर रही हो? वो दोनों दोस्त। दारिया, मेरी बात कान खोल के सुन लो कि मेरी बच्ची की जिंदगी से दूरी रहो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। जेले, इसे बोलने दो टैनर। तुम प्लीज चुप रहो टैनर। लेकिन तुम उससे ये किस तरीके से बात कर रही हो? आखिर ऐसा भी क्या कर दिया दारिया ने? टैनर, तुम जानते हो कि मैं राइट पर हूँ, फिर भी अगर तुम्हें दारिया की खुशामद का शौक है तो करते रहो। उस दिन तुमने मुझे बताया था ना कि वो यलमाज का बेटा है, तो उससे अपनी बेटी को दूर रखो तो अच्छा है। खुशामदीद मेरी जान। शुक्रिया, माफी चाहता हूँ, मैं चाबियां ऑफिस में ही भूल गया। तुम्हारा सरप्राइज तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं कुछ समझा नहीं। वो तो तुम अंदर जाके समझ जाओगे। जाके मेहमान के साथ बैठो, मैं भी सलाद काटकर बस थोड़ी देर में आती हूँ। मेहमान है कौन? अरे अंदर जाओगे तो पता चलेगा ना, जल्दी जाओ। कैसे हो यलमास? खुश आमदीद दारिया। कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक। एलिफ के इनविटेशन को मना ही नहीं कर पाई, मैं जानती थी तुम्हें नहीं पता होगा। बहुत अच्छा किया उसने, मुझे वाकई इस बारे में पता नहीं था, लेकिन मुझे खुशी हुई। मुझे भी यहाँ आकर खुशी हुई। पापा देखें, ये मैंने बनाई है। ये वाकई बहुत खूबसूरत है बेटा, शाबाश। चले आएं खेलते हैं। हम बाद में खेलेंगे बेटा, इस वक्त घर में मेहमान है ना, आप आराम से बैठकर अपनी ड्राइंग करें। आ जाओ, हम मिलके ड्राइंग करते हैं। मैं सबसे पहले इसे कलर करूंगा। अच्छा ठीक है, तो पहले कौन सा रंग करोगे? एलिफ, ये अचानक तुमने दारिया को बुला लिया? शुक्रिया अदा करने के लिए। लेकिन किस बात का शुक्रिया? दरअसल उम्मीद आज स्कूल से भाग गया था। क्या मतलब भाग गया था? पर तुमने बताया क्यों नहीं मुझे? वो बीच पर खेलते हुए दारिया को मिला, वो उसे स्कूल लेकर आई, वहीं पर हमारी मुलाकात हो गई। मैंने उसे डिनर पर इनवाइट किया तो उसने फौरन कबूल कर लिया, मैं तो हैरान ही हो गई। अच्छा ठीक है, वो क्यों भागा इस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन तुमसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, तुम उसके सामने कोई भी ऐसी वैसी बात मत करना, खुदा के लिए। इसकी फिक्र मत करो तुम, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मुझे क्या बात करनी चाहिए और क्या नहीं।
अभी भी स्टडी कर रही हो तुम? जी मैं फिल्म और टेलीविजन की स्टूडेंट रही हूँ। ये तो अच्छी बात है, मुझे भी टीवी शोज और ड्रामास बहुत पसंद है। तो स्टडीज कंप्लीट हो गई? जी नहीं, कुछ मसरूफियात की वजह से मुकम्मल नहीं कर पाई। यलमाज भी इस्तांबुल से है? हाँ, यलमाज ने मुझे बताया था और इस मौजू पर हमारी पहले भी बात हो चुकी है। दारिया ये बताओ, तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? हाँ मैंने शादी की थी। शादी करना और फैमिली बनाना एक बहुत खूबसूरत एहसास है, और सबसे खूबसूरत एहसास एक माँ बनना है। एक माँ पर बहुत सी जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं, लेकिन ये जिम्मेदारियाँ पूरी करना हर किसी के बस की बात नहीं है। लगता है जैसे किसी वजह से आपको तलाक हो गई हो। अब माफ करना, मुझे तुमसे ये सवालात नहीं करने चाहिए थे। मैं आपका शुक्रिया अदा करना तो भूल ही गया, क्योंकि हमारा बेटा आज आपकी वजह से ही हमारे साथ है। ऐसा मत कहो, इसकी जरूरत नहीं है। उम्मत और मैं तो वैसे भी बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं, है ना उम्मत बेटा? मैं ठीक कह रही हूँ ना? बताओ बाबा को। अरे क्या बात है, आज जब मैंने इसे देखा तो मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये बहुत क्यूट है। ये इसने तो मुझसे बात ही नहीं की थी। कहता मेरे मामा बाबा ने मुझे अजनबी लोगों से बात करने से मना किया है। ठीक कहा इसने, हमने ही मना किया है। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरी हर बात मानता है। बिल्कुल ठीक किया आपने, कभी किसी अजनबी से बात मत करना। ठीक है मेरी जान, आप समझ गए ना? अब आपको हमें ये बात बतानी होगी कि आप वहाँ से क्यों भागे थे, ठीक है? ठीक है, मैं आपको सारी बात बताऊंगा। सूदे को फुटबॉल सिखा दे। ठीक है सिखा दूंगी। मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे फुटबॉल खेलते हो। क्या आप खेलेंगे बाबा? फुटबॉल का तो दीवाना है ये। जब इसके बाबा घर नहीं होते तो मेरे साथ खेलने लगता है। मेरा भाई होता तो उसके साथ खेलता मैं। बच्चे भी कैसी बातें कर देते हैं। मैं तो यलमाज से कहती हूँ कि हमें दूसरे बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। मुझे भाई चाहिए। हाँ बहन भाई तो बहुत बड़ा सहारा होते हैं। दारिया अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ तुमसे। यलमाज ने मुझे बताया था कि तुमने अपना बच्चा खो दिया है। इसने मना किया था कि मैं कोई ऐसी बात ना करूं, लेकिन मुझे ये जानकर वाकई बहुत दुख हुआ, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ। एलिफ मुझे माफ कर देना यलमाज, लेकिन बात तो सही की है ना मैंने? क्योंकि अगर आज मेरा बेटा गुम हो जाता मैं कभी भी ये बर्दाश्त ना कर पाती। सारी जिंदगी अपने आप को कोसती रहती और कभी माफ ना करती खुद को। आपका बेबी कहाँ है? उमुत मुझे फ्रेश होना है, वॉशरूम कहाँ है? ठीक है आओ तुम्हें ले चलूं। तुम फ्रेश होकर आ जाओ, तुम्हारी कॉफी भी तैयार होगी। आ जाओ। Thank you.
बच्चे को मुझसे नहीं छीन सकता, वो सिर्फ मेरा बेटा है। मैं मैसी की तरह बनूंगा, क्या आप उसे जानती हैं? मैसी? नहीं, मैं नहीं जानती। आपको तो मैसी का भी नहीं पता। जी बेटा, इन्हें नहीं पता। कॉफी। शुक्रिया आपका। इसे फुटबॉल के सभी प्लेयर्स के बारे में पता है और कहता है कि बड़ा होके ये भी फुटबॉल ही खेलेगा। एलिफ खड़ी क्यों है? आप भी बैठिए ना हमारे साथ। बाप और बेटी की गहरी मोहब्बत को अलविदा दारिया। तुम जाग रही हो अभी तक? मुझे लगा मैं लाइट बंद करना भूल गई। वो सूदे का फेवरेट टॉय नहीं मिल रहा, बस उसी को ढूंढ रही हूँ। क्या उसका टेडी बियर नहीं मिल रहा? हाँ ना, तुम जानती हो वो उसके बगैर नहीं रह सकती। ये भी तो हो सकता है कि वो स्कूल ही भूल गई हो। वो जब आई थी तो उसके हाथ में टॉय था। नहीं दारिया, जब वो आई थी उसके हाथ में कोई टॉय नहीं था। इतनी मुश्किल से सुलाया मैंने उसको, सो ही नहीं रही थी बिना टॉय के। अब उठेगी तो फिर से मुझसे टॉय मांगेगी, मैं क्या करूं? क्या आपको कुछ याद नहीं कि उसने कहां रखा था? इसीलिए तो ढूंढ रही हूं मैं। मुझे नहीं पता उसका टॉय कहां पर है दारिया। मैं किचन में देखती हूं, तुम बाबा के कमरे में देख लो, वहां पर उन्हीं के साथ खेल रही थी। हां, मैं अभी जाती हूं, वहां देखकर आपको बताती हूं। थैंक यू सो मच। तुम करना क्या चाहती हो? ये किस तरह की बातें की उससे? ऐसा क्या कह दिया मैंने? एलिफ, मैं तुम्हें पहले से ही समझा चुका था कि उसके साथ कोई भी ऐसी वैसी बात मत करना। मुझसे पूछे बगैर उसे बुला लिया, ये सब क्या है? तेरा यकीन करो, उसने हमारा भला किया, इसलिए मैंने उसे डिनर पर इनवाइट कर लिया। यलमाज, यकीन कर लो तुम्हारा। करना है करो, नहीं करना ना करो, मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। मैं भी बात नहीं करना चाहता तुमसे। एक औरत उस घर में मेहमान बनकर आती है जहाँ पर उसका बेटा पल रहा है, लेकिन वो इस बात से अनजान है कि जिस बेटे को वो इतने सालों से ढूंढ रही है वो हमारे पास है। तो मैं क्या करूँ? मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूँ। उसने अपना बच्चा नहीं संभाला तो उसका कसूर है, उसको उसी के गुनाह की सजा मिल रही है। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। तुम्हें अक्लमंदी से सच का सामना करना चाहिए। अगर नहीं करती तो क्या कर लोगे तुम? फिर से लाइट हाउस चले जाओगे किसी औरत को लेकर? एलिफ, तुम पागल हो गई हो। चाहकर भी यकीन नहीं कर पा रहा हूँ मैं कि ये तुम ही हो। नहीं, मैं अब भी पहले जैसी हूँ यलमास। अच्छी तरह सोच लो और फैसला कर लो इससे पहले कि हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाए। मत भूलो यलमास कि मैं, तुम और उम्मत एक फैमिली है, और किसी के लिए अपनी फैमिली को बर्बाद मत करो। तुम सुन रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? आज तुम्हें मेरी बात सुननी होगी यलमास। अगर मुझसे मेरा बेटा छीनने की कोशिश की तो मार दूंगी उस औरत को, खुद भी मर जाऊंगी और तुम्हें भी मार दूंगी, समझे तुम? मैं वाकई ऐसा कर दूंगी। यलमाज भाई, आरदा, पैर तो है, इस वक्त कहां जा रहे हैं?
तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो सोचा चहलकदमी कर लूं। तुम बताओ। जी भाई, मैं भी अपने एक दोस्त की तरफ जा रहा हूँ। यलमाज भाई, दारिया आप बेफिक्र रहें, आपका बेटा जिंदा है और वो सही सलामत है। ये लेटर किसने लिखा होगा? अगर ये बात सच हुई तो बेटा जिंदा है, आप फिक्र ना करें, वो सही सलामत। ये कहीं खाब तो नहीं है? मेरा बेटा किस हाल में होगा? नए पागलपन का आगाज मुबारक हो। मेरा बेटा जिंदा है, कहा था ना मेरा बेटा जिंदा है। दिलिक, मेरा बेटा जिंदा है। दारिया, तुम पागल हो गई हो? इस वक्त चिल्ला रही हो, मेरी सूटे उठ जाएगी। वो जिंदा है। क्या हुआ बेटी, क्या कह रही हो? सुल्ताना आपा, ये पढ़े, मेरा डेरिस जिंदा है। मैं समझी नहीं बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तो शुरू से कहती थी वो जिंदा है, मुझे जल्दी से बाबा को बताना चाहिए। मैं बाबा को कॉल करती हूँ। दारिया जरा हौसले से काम लो। आरदा, आरदा तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। देखो एम्बुलेंस पहुंच गई है, अब हम तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। नब्ज चल रही है, स्ट्रेचर लाओ। फिक्र मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जल्दी करें, इसका ब्लड बहुत बह चुका है। आरदा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इसे कुछ नहीं होना चाहिए, इसकी नब्ज चल रही है। आप ठीक हैं? जी जी, मैं ठीक हूँ। ये ठीक तो हो जाएगा ना? तसल्ली रखिए। जल्दी कीजिए प्लीज। इन्हें जल्दी ऑपरेशन थिएटर लेकर जाना पड़ेगा। आप अंदर नहीं जा सकते सर। मैं बस उसे देखना चाहता हूँ। लेकिन आपका तो अपना खून बह रहा है। देखिए, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। आप इमरजेंसी में चलिए, मैं आपकी पट्टी करवा देती हूँ। बस मामूली सी खराश है, जल्दी ठीक हो जाएगी। सर, ये बहस का वक्त नहीं है। कहाँ थे तुम यलमाज? वक्त देखा है तुमने, क्या हो रहा है? यलमाज सुन रहे हो? तुमसे पूछ रही हूं मैं। यलमाज, देखो अलिफ, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। तुम संभालो अपने आप को। यलमाज, तुम कैसे कह सकते हो कि परेशान हो? कुछ नहीं हुआ। मुझे क्या हुआ, ये चोट कैसे लगी? मैंने कहा ना तुम्हें, बिल्कुल ठीक हूं मैं। रास्ते में किसी ने मुझ पर गोली चलाई है। ये काम किसने किया है मैं नहीं जानता, लेकिन वो उसे अभी अभी ऑपरेशन के लिए ले गए हैं। क्या, किसे किसे ऑपरेशन के लिए लेके गए? मैं समझी नहीं। गोली आरदा को लगी है। क्या? डॉक्टर साहब आ गए। चलिए अम्मी, अब उसकी तबीयत कैसी है? ऑपरेशन कामयाब रहा, हमने गोलियां निकाल दी हैं। लेकिन वो ठीक तो है ना? अब उनकी हालत खतरे से बाहर है, हमें उम्मीद है वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। टैनर। हाँ टैनर, क्या बात है? हम कल से आपसे बात करना चाह रहे हैं बाबा। क्या हुआ, खैरियत तो थी ना? वो दारिया। क्या हुआ दारिया को? तुम्हें सांप क्यों सूंघ गया है, कुछ बोलते क्यों नहीं? दारिया ने वो खत पढ़ लिया है। क्या? ऐसा लगता है कि ये स्मगलर्स का कोई गैंग है जो हमारे मुल्क में छुपा हुआ है। इस हवाले से हमें आपका फोन भी चेक करना पड़ेगा। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। हमारे साथ रابطے में रहिएगा, अल्लाह आपकी हिफाजत करे। जी ठीक है सर, आपका बहुत शुक्रिया।
आपका भी। आइए टैनर साहब, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। सब ठीक तो है? यलमाज साहब पर कातिलाना हमला हुआ है। तुम ठीक तो हो ना यलमाज? जी बिल्कुल ठीक हूँ मैं। तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुँचा? जी नहीं, कुछ नहीं हुआ मुझे। यलमाज साहब तो बच गए, लेकिन इनके साले के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। वो हॉस्पिटल में है। अल्लाह सेहत दे उसे। अल्लाह सेहत दे। अब उसकी हालत खतरे से बाहर है? ऑपरेशन करके उसकी गोलियां निकाल दी गई हैं। अगर मजीद कोई बात नहीं है तो मैं इजाजत चाहूंगा। अब चलता हूँ मैं। खुदा हाफिज। क्या आपको कोई शवाहद मिले हैं ऑफिसर? कुछ पता चला इसके पीछे कौन है? फिलहाल तो कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक कोई सबूत ना मिल जाए, लेकिन हमें बोर्ड पर नजर रखनी होगी। ओह, तो ये बात है। देखिए, मैंने कैनान साहब से राब्ता करने की कोशिश की, मगर उनका फोन बंद था, इसलिए मजबूरन मुझे आपको कॉल करनी पड़ी। जी मैं समझ गया, बताइए क्या मदद कर सकते हैं ऑफिसर? क्या आप मेरी बात सुनना पसंद करेंगे? जी बिल्कुल, फरमाइए क्या मदद कर सकता हूँ आपकी। मुझे मजबूर मत करो, मैं भूल जाऊंगा कि तुम कौन हो और यही मार दूंगा तुम्हें। यलमाज, मैं सच बोल रहा हूँ, उन्होंने मुझे सिर्फ ये लिफाफा दिया था और कहा था कि तुम्हें दे दूंगा, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं जानता। ये बात तुम जानते हो कि तुम्हें अभी गोली मार सकता हूँ मैं। देखो यलमाज बेटा, मैं तुम्हें सब आराम से बताता हूँ। कहाँ हो तुम साले? वेयर हाउस में हूँ मैं तुंजार भाई। शहर से निकलते ही फौरन जीटी रोड पर एक वेयर हाउस है, तुम भी यहीं आ जाओ भाई, आराम से बात कर लेंगे। तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ मैं। तुम आ रहे हो? मैं जानता हूँ वो कहाँ पर है, मैं बस कुछ ही देर में आ रहा हूँ तुम्हारे पास। हाँ, पता चल गया, शहर से निकलते ही एक वेयर हाउस है, वो वहीं पर ही मिलेगा। मैंने सारे सबूत मिटाकर अपना वादा पूरा कर दिया है, अब जान छोड़ दो मेरी। हमने मिलकर बहुत अच्छा काम किया है। कोर्ट फिलहाल पुलिस की निगरानी में है, हमें इंतजार करना होगा, उसके बाद देखेंगे कि हमें क्या करना है। तुम मेरे पीछे ही रहना, यहां कुछ भी हो सकता है। हूं बेटी, आप मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकते हैं बाबा? आपने इतने साल मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई क्यों बाबा? बेटी मेरी बात तो सुन, मत लगाइए मुझे। आप मुझे बस ये बताइए कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उस खत में गलत लिखा हुआ है बेटी, और तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था कि तुम्हारी हालत गैर ना हो जाए, जो कि इस वक्त हो रही है। आपको मेरी हालत से क्या? आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि खत में जो लिखा है वो गलत है? क्या होगा अगर ये सब सच हुआ? क्या होगा अगर उस खत में लिखा एक एक लफ्ज सही निकला तो? और अगर ऐसा ना हुआ तो? बात को समझो बेटी, ऐसा भी तो हो सकता है तुम्हें बेसकून करने के लिए ये किसी दुश्मन की चाल हो। लेकिन मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे ये किसी मतलबी और जज्बात से आ रही इंसान की चाल है जो मुझे खुश नहीं देख सकता। मैं तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहता था बेटी। आप मेरे लिए फैसला नहीं कर सकते। सच तो ये है कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह आप है, और वो सब कुछ आपके कहने पे हुआ है।
बेटी, एक बाप की अपनी बेटियों को महफूज रखने से ज्यादा बड़ी ख्वाहिश और क्या होगी। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ बाबा, अगर आपने जिंदगी में मेरा साथ दिया होता ना, तो मेरा बेटा मेरे साथ होता, तो प्रत मैं और डेनिस आज खुशी से रह रहे होते। आज तक मुझे जितने भी दुख मिले हैं, जितनी भी अजियत झेली है मैंने, उस सबके पीछे सिर्फ आपका हाथ है। सब आपकी वजह से हुआ। मेरे अपने ही बाप ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। आज सुबह जब मैं अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जा रहा था तो मिस दारिया से मुलाकात हुई मेरी। वो मुझे कुछ परेशान लग रही थी। सब ठीक तो है ना सर? हाँ ठीक है। जानते हो यलमास, हमारे किसी दुश्मन ने दारिया के स्टूडियो के पते पर एक बहुत ही अजीबोगरीब खत भेजा उसे, जिसमें लिखा था कि तुम्हारा बेटा जिंदा है, सही सलामत है और बिल्कुल महफूज है। सबसे पहले वो खत मेरे हाथ लगा और मैंने दारिया को सिर्फ इसलिए नहीं बताया कि वो परेशान हो जाएगी, लेकिन फिर पता नहीं वो खत दारिया के हाथ कैसे लग गया और उसने यकीन कर लिया कि मेरा बेटा आज भी जिंदा है। अब फिर से वो उसी अजियत से गुजर रही है। केनान साहब, वो ऐसा लगे जरूरी बात नहीं है तो मैं बाद में कॉल करूं, मैं बस आ ही रहा हूं। ठीक है, माफ करना बेटा, मुझे एक जरूरी काम से जाना होगा। आरदा का ख्याल रखना। जी थैंक यू। परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो जल्द ठीक हो जाएगा। बेटे से मिलना चाहती हो तो 5 करोड़ का इंतजाम कर लो। डेनिस, मेरा बेटा। हेलो, हेलो ऑफिसर, मुझे आपको कुछ बहुत जरूरी बताना है। मैं भी आ रही हूँ। दारिया। यलमाज, तुम ऐसे भाग क्यों रही हो? सब ठीक तो है? यलमाज, मुझे अभी अभी ये खत मिला है। लिखा है कि मैं पैसों का इंतजाम करूँ तो मेरा बेटा मुझे मिल जाएगा। मैं पुलिस के पास जा रही हूँ। दारिया, कोई तुम्हारे साथ खेल खेल रहा है। जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो? छोड़ो मेरा हाथ। दारिया, झूठ है ये। यलमाज, छोड़ो मुझे। मेरा यकीन करो, मैं बहुत तकलीफ में हूं। शायद तुम ये कभी भी ना समझ सको। पता है क्या, मैं अक्सर ये सोचती हूं कि खुद को मार के इस तकलीफ से आजाद हो जाऊं। तुम्हें ऐसी उल्टी सीधी बातें सोचने की कोई जरूरत नहीं है दारिया। खुदकुशी इस मसले का हल नहीं है। मैं हर दिन अपने बेटे का इंतजार करते गुजार देती हूँ। मैं उसके बगैर ली गई हर सांस को कोसती हूँ यलमास। ये भी कैसी जिंदगी है, मैं ऐसे नहीं जीना चाहती। मैं मरना चाहती हूँ, नहीं जीना मुझे। कौन कर
सकता है ऐसा? क्या कुछ पता चला? रिलैक्स हो जाए मिस दारिया, मेरे अहलकार तफ्तीश कर रहे हैं। देखें, मेरे पहले खत को भी आप लोगों ने बड़ी आसानी से मजाक करार दे दिया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। मैं महसूस कर सकती हूँ कि मेरा बेटा जिंदा है। आपकी इजाजत हो तो मुझे कुछ जरूरी कॉल्स करनी है। आपको जो सही लगता है वो कीजिए। ठीक है, आप यही इंतजार कीजिए। जी जरूर। आज जब मैं अस्पताल में थी तो अम्मी ने बातों बातों में एक बात कही, जानते हो वो क्या है? कि इंसान अपनी औलाद के लिए मर भी सकता है और किसी को मार भी सकता है। ठीक कहा ना अम्मी ने? तुम ठीक कह रही हो। और कातिल बनने का हक दारिया के पास भी है, या फिर वो खुद को कुर्बान कर दे। ठीक कहा ना मैंने? क्या आप बताएंगे कि हम किसका इंतजार कर रहे हैं? मिस दारिया, खुश आमदेद कैनान साहब। आपका शुक्रिया। बैठिए प्लीज। कैसी हो बेटी? मैं तुम्हारी वजह से परेशान था। मैं जानती थी ऑफिसर ने आपको कॉल करके बता दिया होगा। पिछली बार की तरह हम अब भी इंतजार कर रहे हैं। मेरे अहलकार सिक्योरिटी कैमराज चेक कर रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि स्टूडियो के इर्द गिर्द जो भी कैमरे लगे हैं वो बहुत दूर हैं। जी हाँ, जानता हूं मैं। माफ कीजिएगा, मुझे आने में देर हो गई। दरअसल मैं इस वीडियो का इंतजार कर रहा था। कौन सी वीडियो? उस वाकये के बाद मैंने तुम्हारी हिफाजत के लिए स्टूडियो के बाहर कैमरा लगवाया था, उसी की रिकॉर्डिंग है ये। क्या सच कह रहे हो? हाँ। यानी इस वीडियो से पता चल जाएगा कि खत किसने फेंका था? हाँ, हमें सब नजर आ जाएगा। अगर वाकई ऐसी बात है तो देख लेते हैं कि वो खत किसने फेंका। देखिए वो रहा। बेटी कहाँ है मेरा बेटा? रुक जाओ बेटी। मेरे कहाँ है? बोलो। तुम क्या कर रही हो? बताओ कहाँ है डेनिस? बेटी संभालो अपने आप को। मेरे बेटे को बताओ। तारिया बेटी, पापा छोड़ दे मुझे। संभालो अपने आप को। क्या हो गया तुम्हें? बस कर दो, बस कर दो। शाबाश। दारिया मैडम, ऑफिसर साहब आपको बुला रहे हैं। एसल, मैंने इस लड़के को पहले कहीं देखा है। बोलो बेटी, सब ठीक है? हम लोग अभी इंतजार कर रहे हैं। नहीं नहीं, आने की जरूरत नहीं। हाँ, हम लोग जल्दी वापस आ जाएंगे। ठीक है, ओके। क्या उसने इकरार किया कि मेरा बेटा कहाँ है, किस हाल में है? हमने उसका बयान ले लिया है, लेकिन उसने भी वही कहा जिसकी हमें उम्मीद थी। मैं समझी नहीं।
जैसा कि मैंने आपसे ये पहले भी कहा था कि ये धोखा भी हो सकता है। दरअसल वो आपसे पैसे बटोरना चाहता था। उसने किसी से इस वाकये के बारे में सुन रखा था। उसने बताया कि किसी टी हाउस में कुछ इसका लोग मतलब उसे बाहर के लोगों से ये बात पता चली है। तो मतलब ये सब सच नहीं था? सुना आपने, मेरे बेटे की कोई खबर नहीं आई। दारिया बेटी, ये सब कैसे हो सकता है भला? कोई किसी के साथ ऐसा खेल कैसे खेल सकता है भला? बेटी तुम परेशान क्यों होती हो? हम सब लोग तुम्हारे साथ हैं। बताए मुझे, मैं क्या करूं बाबा? आखिर क्या करूं मैं? मेरे में हिम्मत नहीं रही है सब बर्दाश्त करने। दारिया बेटी, यहां बैठो। मैं क्या करूं? चुप जा। क्या करूं बाबा? चलो ऐसा करते हैं कि कुछ देर हम लोग यहाँ पर बैठ के बातें करते हैं। जी बाबा। चलो बैठ जाओ। आपकी मामा एलिफ मसरूफ थी। बाबा आपने एलिफ अम्मी क्यों कहा? मेरी बात सुनो बेटा, तुम अपने बाबा के इकलौते बेटे हो। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं तुमसे ऐसे ही प्यार करूंगा। मैं भी करूंगा बाबा। क्या आप मैं खेलने जाऊं? बिल्कुल जा सकते हो। तुम बड़े होकर सब जान जाओगे और मुझे माफ कर दोगे। अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। अब मैं सिर्फ और सिर्फ सच्चाई का साथ दूंगा। और अगर तुम्हें ये लगे कि मैं तुम्हारे साथ ज्यादती कर रहा हूं, तो मुझे माफ कर देना। अपने बाबा को माफ कर देना बेटा, माफ कर देना। मैं जानता हूं कि हमारा खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन तुम मेरी रूह में बसे हो। बाबा मुझे देखे, बहुत मजा आ रहा है मुझे। खुशामदीद उमुत, खुशामदीद। आपका बहुत शुक्रिया। उमुत बेटा, तुम वहां जाओ और जाकर साइकिल चलाओ। दारिया, बेटे को ले आया हूं मैं। सच्चाई बताने की कोशिश की, पर हमेशा नाकाम ही रहा मैं। तुम्हें कैसे पता चला कि ये मेरा बेटा है? जब हमारी कब्रिस्तान में मुलाकात हुई और मैंने तुम्हें कब्रों के पास खड़े देखा, कब्र पर वही डेट थी जिस डेट को ये हमें मिला। बस ऐसे ही कड़ियां जुड़ती गईं।
और आखिरकार मैंने हकीकत का पता लगा लिया। मेरा डेनिस मुझे मिल गया है, अब मुझे किसी की भी कोई परवाह नहीं है। और वो खत भी मैंने ही लिखा था तुम्हें। तो क्या वो खत तुमने लिखा था यलमास? हाँ मैंने ही लिखा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं बात शुरू कैसे करूं, लेकिन कल जब तुम पुलिस स्टेशन जा रही थी तो मुझसे तुम्हारी हालत देखी नहीं गई और इसे तुम्हारे पास ले आया मैं। दारिया प्लीज माफ कर दो मुझे। रोया पछताया मैंने, क्या है कमाया इस दुनियादारी की खातिर, क्या खोया क्या पाया। रोया